गाइस वेलकम टू माय चैनल अनलिमिटेड गोल्फो। तो चलो स्टार्ट करते मेरा डेली व्लॉग। तो ऑफिस से आ चुकी हूँ एंड आने के बाद देख रही हूँ कि मम्मी ने मशीन लगा लिया है कपड़े धोने के लिए। एक्चुअली कल ही पुणे से आई हूँ तो काफ़ी कपड़े गिरे थे, तो मम्मा ने मशीन लगा के कपड़े धो दिए हैं, साथ ही मैंने कपड़े सुखा लिए हैं। अब बारी आ गई है बैंगन फ्राई करने की। वैसे तो मम्मा ने राइस एंड प्रॉन्स की भाजी बनाई है, बस बैंगन एंड मच्छी थोड़ा फ्राई करना है। यूजुअली मैं व्लॉग्स बंगाली में शूट करती थी राइट, तो अभी कुछ दिनों से हिंदी में कर रही हूँ, बट आदत तो बंगाली की ही है। तो व्लॉग शूट करते हुए मैंने ये भी रिकॉर्डिंग बंगाली में ही किया था एंड उसके बाद मैंने हिंदी में किया। এটা ভাজবো আর এখানে মা মাছ মশলা লাগবে না, এটা কি ঝোল কি জানি মাছও কোথায় আছে সেটাও ভাজতে আছে। তো চলো বেগুনটা আগে টকটক করে ভেজে নিই। তোমরা অনেকেই বলো এই যে চুবড়িতে। তো গাইস আজ ফিরসে আমাদের ঘর বন রা বেঙ্গন ফ্রাই। বেঙ্গন ফ্রাই আমরা কাফি খাতে লাইক কুছ ভি ভাজি রহনে দো নেই রহনে দো বেঙ্গন হে তো খাঙ্গে এসা হে। तो ऑफिस से आ गई हूँ एंड घर पे थोड़ा कपड़े वगैरह मम्मी ने वॉश किया था तो वो सुखाना था और फिर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी ये बैंगन फ्राई और इसके बाद करना है मच्छी फ्राई। तो बने रहिए ब्लॉग में। तेल हो गया है तो चलो धीरे धीरे 10 to 15 मिनट्स तो जाएगा बैंगन फ्राई होने, तब तक मैं हमारे टिफिन्स वॉश कर ले रही हूँ एंड उसी के बाद कर लूँगी ये फिश फ्राई। तो बैंगन अब फ्राई हो चुका है, अब काला काला देख के जल गया है ये मत सोचना। एक्चुअली मुझे ओवर फ्राइड चीज़ें ज़्यादा पसंद है एंड साइड में ही देखो मम्मा ने राशन भरा है, तो मम्मा वही सब समेट रहे थे कहाँ किधर क्या डालना है। पोहा हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया और एक तरफ मैं ये जो कुकिंग का है वो कर ले रही हूँ। फ्रिज में 3 सीख कबाब पड़े थे तो मम्मा ने बोला वो भी फ्राई कर लो, कब तक पड़े रहेंगे। एंड 4 पीस फिश था, हलवा बोलते ना वो था। और ये देखो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। फिश फ्राई करते करते एक बिखर चुका है एंड आज का मेन्यू यही था, लाव चिंगड़ी, बीट भाजा, बैगन भाजा, सीख कबाब और थोड़ा सा फिश लिया क्योंकि मैं ये नहीं खाती हूँ। खाना खा के हो चुका है, अब बारी आ चुकी है सोने की एंड बर्तन धोने का आवाज़ आ रहा होगा तो मम्मी बर्तन धो रहे हैं। रोज़ हमारा यही ड्यूटी है, लाइक मैं खाना खाने के बाद लादी पोछ देती हूँ और मम्मी बर्तन धो देते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि रात भर बर्तन पड़े रहे सिंक में एंड ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं ऑफिस से आने के बाद इतना ही टायर्ड हो जाती हूँ कि खड़े रह के बर्तन और मुझसे नहीं धुला जाता। तो और मम्मी को भी रात भर बर्तन रखना पसंद नहीं है तो वही कर लेते हैं एंड आई एम डेट लकी कि चलो मम्मा है तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। लाइक सुबह का टिफिन हम दोनों मिलकर बना लेते हैं एंड बाकी पूरे दिन का काम वगैरह। तो सिर्फ सैटरडे संडे ही मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, घर का लादी पोछा, बर्तन वगैरह जो है। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिया क्योंकि गर्मी आ गई है तो फिर से बैक टू कॉटन बेडशीट्स। वैसे वो बेडशीट मेरे मम्मा ने ही दिया था लेकिन छोटा हो गया है थोड़ा। उन्होंने जब दिया ना तब मैंने बेड पे रख के देखा भी नहीं था कि प्रॉपर साइज़ है कि नहीं करके, और अब ऑलरेडी 2 महीने हो गए तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये ब्लैंकेट भी कल सेटल हो जाएगा। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो हो गई है सुबह बैक टू रूटीन। तो मैंने बना लिया रोटी और आज सुबह सुबह मिल गया है मुझे ये गिफ्ट। ये मेरे हस्बैंड ने कस्टमाइज किचन मुझे गिफ्ट किया है, सिर्फ मुझे नहीं मम्मा को भी दिया है उन्होंने। तो ये किचन भी मुझे काफ़ी पसंद आया, दोनों साइड हमारा ही फ़ोटो है, एक में मेरा है एक में मेरे हस्बैंड का। तो छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी ना काफ़ी अच्छी लगती है एंड जब वो गिफ्ट आपके स्पेशल पर्सन ने दिया हो तब और भी। तो चलो कर लेते हैं नाश्ता, नाश्ता के तुरंत बाद ही मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जो पुणे का होने वाला है। टिल देन टाटा बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।